हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टिंग दुनिया। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टर्म क्या हैं और ये दोनों सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। आइए हम जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। आइए हम देखते हैं। आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपने हो सकता है कि इनके टाइप नहीं सुने हो, लेकिन आपने ये सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये है क्या बेसिकली, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सपोज़ कीजिए कि आपने एक, आपके पास कोई सपोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन, या कोई आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, सपोज़ हम ये एग्जांपल लेते हैं, और उसमें आपके पास सिर्फ हार्डवेयर अवेलेबल है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उसको हम कैसे यूज़ करना शुरू करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उस हार्डवेयर पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़। चलिए विंडोज़ का ही हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि आपको सपोज़ कीजिए उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। या ऐसा तो नहीं आपने कभी देखा होगा कि आपके हार्डवेयर है और उसमें कोई विंडोज़ का वर्जन नहीं है और आपके सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए सबसे पहले आपको अपने हार्डवेयर के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे वेल नोन इसमें विंडोज़ है, विंडोज़ आपने इंस्टॉल कर लिया। अब आपने विंडोज़ जो इंस्टॉल किया है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि वो एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आपका जो भी काम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड से, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपने विंडोज़ डाला है उसके ऊपर आप फर्दर अपने एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। जैसे कि आपने विंडोज़ इंस्टॉल किया, उसके बाद में आपने सपोज़ कीजिए कि एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लिया, तो एमएस ऑफिस एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो तब डलेगा जब आपके सिस्टम पर कोई विंडोज़ का वर्जन होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देख लेते हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास हार्डवेयर है लेकिन उसमें कोई, अगर आप विंडोज़ नहीं डालेंगे तो कैसे आप यूज़ कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही आप फर्दर सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। इन जनरल द यूज़र डज नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। यूज़र जो है वो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपके बैकग्राउंड में रन होता रहता है। यूज़र जनरली इंटरेक्ट दूसरे सॉफ्टवेयर से करता है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इंडिपेंडेंटली अपना रन करता रहता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है इस पर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, जिसमें विंडोज़ हो सकता है या लिनक्स बेस्ड यूबंटू हो सकता है। फिर आपके पास कंपाइलर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपका ड्राइवर्स है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास, जैसे कि इसमें हमने शुरू में बताया था कि कोई भी हार्डवेयर तब तक यूज़ नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम मदद ना लें। तो अब जैसे कि आपके पास प्रिंटर है, लेकिन प्रिंटर में आपको उस अपने कंप्यूटर से उस प्रिंटर को इंटरेक्ट कराने के लिए आपके कंप्यूटर में उस प्रिंटर के ड्राइवर्स होने चाहिए। तो ड्राइवर्स क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब वो आप ड्राइवर डाल लेंगे उसके बाद ही आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर से इंटरेक्ट कर पाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाई यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई पर्टिकुलर एक टाइप का काम करना है, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सपोज़ कीजिए कि आपको अकाउंटिंग का कुछ काम करना है, तो आपके लिए कोई, आप उसके लिए कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या परचेज़ करेंगे, जैसे भी है,
जैसे सपोज आपको टैली उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू यूज़र, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल ब्राउज़र्स अपने सिस्टम में चाहिए, कौन कौन से चाहिए ये मेरी यूज़ पर डिपेंड करता है। मुझे मोज़िला भी चाहिए, मुझे क्रोम या सफारी, या मुझे साथ में ओपेरा भी चाहिए, यूसी भी चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा मेरी रिक्वायरमेंट पर, मेरी मतलब कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट। इन जनरल यूज़र इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही जनरली इंटरेक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे आप एज ए यूज़र बैठे, आपके स्क्रीन के सामने चार आइकन आ रहे हैं, एक एमएस ऑफिस का है, एक आपका सपोज़ कीजिए टैली का है, एक आपका कोई और सॉफ्टवेयर है या ब्राउज़र्स हैं, तो आपको जो यूज़ करना है आप उस इंटरेक्ट किससे करेंगे। आप एमएस ऑफिस खोलेंगे तो एमएस ऑफिस में जाएंगे, एमएस वर्ड खोल दिया आपने, ऐसे ही आप टैली में चले गए, तो यानी कि यूज़र जो है इंटरेक्ट कैसे करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मोस्टली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट रन इंडिपेंडेंटली, दे कांट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बहुत मेन पॉइंट है। आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो सकता, रन ही नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सपोज़ कीजिए आपके सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, तो आप कैसे उसमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल लेंगे। बिना विंडोज़ के आप ब्राउज़र उसमें इंस्टॉल कर पाएंगे या आप कोई उसमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आप जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मान लिया आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आप कुछ स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, एमएस ऑफिस है आपका, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र्स जितने हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जितनी मोबाइल ऐप्स हैं, ऐप्स मतलब एप्लीकेशन, तो दैट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, और वैसे भी जनरली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।